डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और सोचिए सोशल मीडिया का दम देखिए, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। दिलीप मैंडल ने कैंपेन चलाया सूर्य कुमार यादव के पक्ष में और अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल कर लिए गए हैं। संजू सैमसन को भी शामिल कर लिया गया और सोचिए बांग्लादेश दौरे पर उनको बैठा दिया गया था और वही अब उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। अगर ये नहीं होता सोशल मीडिया, बहुजन समाज के लोग बात नहीं करते तो ये संभव नहीं था। दिलीप मंडल ने जैसी कैंपेन चलाना शुरू किया कि गलती से बहुजन मैच देखना छोड़ चुके थे, अब फिर से देखने लगे हैं, अगर सूर्य कुमार यादव को बाहर करोगे तो तुम्हारी हालत फिल्मों जैसी होगी। सोचिए पिछले 2-3 सालों में जब से बहुजन आंदोलन तेज हुआ है, सोशल मीडिया आया है, सारी फिल्में सवर्ण हीरो की फ्लॉप हो रही है, खासकर सरकार समर्थक हीरो की, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, रणबीर कपूर हो। क्यों? क्योंकि बहुजनों ने अब कर्णन देखना शुरू कर दिया है, धनुष की फिल्में देखनी शुरू की है, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के कलाकारों की फिल्में देखने शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश दौरे पर नहीं चुना गया था, अब न्यूजीलैंड की टीम में उनको चुन लिया गया है। संजू सैमसन को भी चुन लिया गया है। आप सोचिए मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 7-7 खिलाड़ी ब्राह्मण रखता है, 20-20 मैच फ्लॉप हो जाते भी तो भी कोई बात नहीं। सूर्य कुमार यादव एक में फ्लॉप होगा तो इनके पेट में दरेर उठने लगते हैं। आप सोचिए गोल्ड मेडल ओलंपिक में किस कम्युनिटी के लोग जीतते हैं? जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर। तीरंदाजी में कौन आदिवासी? वेटलिफ्टिंग में कौन ट्राइबल और बहुजन समाज के लोग जीतते हैं। लेकिन क्रिकेट में चूंकि पैसा है, ग्लैमर है, सबसे आसान खेल है, तो वहां दूसरे को नहीं जाने देंगे। अच्छा, फुटबॉल में तो आरक्षण नहीं है, खेल में तो आरक्षण नहीं है। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चला, 140 करोड़ लोग में से हम 11 नहीं चुन पाते। बाइचिंग भुटिया कौन है? फुटबॉल में अभी जो सबसे शानदार आपके प्लेयर हैं उनकी कम्युनिटी पता कर लीजिए, हॉकी में पता कर लीजिए, और इन तमाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी पे किन लोगों का कब्जा है उनकी जाति पता कीजिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, पैर में ताकत कहां से लाओगे? इस देश में जब तक आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, दलित, पिछड़े, इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इन्हीं के पैर में ताकत है, यही संघर्ष करके आते हैं, इन्हीं के DNA में जो मेहनत करेगा वो बेहतर करेगा खेल में। लेकिन ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी सब जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं और मौका नहीं देते हैं। खैर, सोशल मीडिया का दौर है और जितना लोगों ने लिखा, अब T20 से वनडे के टीम में संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ और सूर्य कुमार यादव का भी चयन हो गया है। लेकिन KL राहुल और मोहित शर्मा, रोहित शर्मा, इनका पंत ये रहेंगे। चलिए एक एक करके वो तमाम ट्वीट्स बताते हैं। इनसे पूछिए फुटबॉल में जीत के लाओ मेडल, गोल्ड जीतो ना, इतने ही होशियार हो तो। और तमाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी में कौन लोग बैठे हुए हैं उनकी जाति पता कीजिए। और सोचिए राजीव शुक्ला, सरकारें बदलती रहती है लेकिन उनका कनेक्शन नहीं बदलता है। फुटबॉल एवं अन्य खेल प्रतियोगिताओं में कहीं भी आरक्षण नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि मेरिट धारियों के होते भी भारत फुटबॉल ओलंपिक, एशिया या अन्य खेलों में फिसड्डी है? जनऊ लीला राम सुरेश ने ट्वीट किया है, कोई सवाल का जवाब? अगर मेरिट है आप में तो क्रिकेट पर कब्जा जमाए बैठे हो, सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर कब्जा जमाए बैठे हो, तो मेडल क्यों नहीं लाते हो? मेडल लाएगा जाट का बेटा, गुर्जर, पटेल, मराठा, आदिवासी और दलित, पिछड़े, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को क्रिकेट टीम में नहीं जाने देंगे, इनकी बपौती है। मोहित शर्मा जैसे, KL राहुल जैसे, पंत जैसे लगातार फ्लॉप होने वाले को रखेंगे, लेकिन को कपिल, धोनी, विराट और विनोद कांबली नहीं चाहिए। लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं और इसका असर देखिए। BCCI सुन लो, SC ST OBC सिर्फ ताली बजाने और तुम्हारे मैच देखने और तुम्हारी टीवी एड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव की वापसी नहीं हुई तो देखना छोड़ देंगे, जैसे हिंदी फिल्मों का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक भी बहुजन अभी सवर्ण कलाकारों की फिल्में नहीं देखता है, इस वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री को यह बात समझ में आते आते उसका हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। तुम भी अपना कर देख लो, हम मैच नहीं देखेंगे तो बर्बाद हो जाओगे। कास्टिस BCCI। IPL के कारण टैलेंट विभिन्न समाजों और इलाकों से आ रहा है, दिख रहा है। उससे पहले तो कौन कहां किसका टैलेंट का गला दबाता था पता ही नहीं चलता था। IPL नहीं होता तो दूसरे को मौका नहीं मिलता। सूर्य कुमार यादव ने 42 T20 मैच खेले हैं,
जिसमें 80 छक्के लगाए हैं, जबकि धोनी ने 98 टी20 मैच में 52 छक्के लगाए थे, उसके बाद भी बाहर कर दिया। केंद्र के में सरकार बदल गई, बीसीसीआई में जगमोहन डालमिया, शरद पवार, शशांक मनोहर और श्रीनिवासन का दौर खत्म हो गया, अनुराग ठाकुर आ गए, जैसा आ गए, लेकिन रवि शुक्ला हैं जिनका न्यूज 24 है और जो कांग्रेस के नेता है राजीव शुक्ला, इनका कुछ नहीं होगा, ये बने रहेंगे। अब बीसीसीआई के पास बचने का एक ही तरीका है, सूर्यकुमार यादव को डरा धमकाकर करियर खत्म कर देंगे का बयान दिलवा दे कि उन्होंने जानबूझकर छुट्टी मांगी थी। साम दाम दंड भेद सब बहुजन समाज के लोग समझने लगे हैं, अब ये नहीं चलेगा। ट्रेनिंग पूरी हुई, दरबार में टैलेंट दिखाने के लिए खड़े थे, तभी एक युवक आया, कहा मैं इनसे बेहतर हूं, मुझे मौका दो, तीर चलाए सब निशाने पर, द्रोणाचार्य कर जा, तू है कौन, तेरी जाति क्या है, चल जा। वह कर्ण आज का सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और विनोद कामली है। पूरी जन्म कुंडली खोल रखी दिलीप मंडल ने। बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है, सरकार ने इस देश के लिए क्रिकेट टीम चुनने का काम दिया है, लेकिन यह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, और यह तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, 1928 में रजिस्टर्ड हुआ था। अगर ये अब भी जातिवाद करेंगे तो इनका बहिष्कार बहुजन करने लगेगा, और उसी डर का नतीजा देखिए प्लेइंग 11। अपने एक कहावत सुनी होगी, दम लगा घटने तो खैरात लगी बटने, ये तो ये है प्लेइंग 11। हाँ तो बीसीसीआई बताओ कैसा फील कर रहा है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन को चुन लिया गया है। वनडे इंटरनेशनल में पहली बार खेलने के लिए उतारे गए उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को बधाई, इन लोगों को भी बाहर किया जा रहा था। लंबे समय से बिना वजह बाहर रखे गए संजू सैमसन को भी बधाई। खेलों की चयन कमेटी में जनऊधारियों को बाहर कर दो, फुटबॉल और वर्ल्ड कप भी भारत जीत कर लाएगा, ओलंपिक खेलों में इंडिया टॉप पर रहेगा, ये महेंद्र लोधी ने कहा। एक मैच में सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला तो गिधर लकर भग्गे आ गए हैं कहने की टीम में क्यों है। तेंदुलकर ने 20 मैचों में लगातार, सोचिए 20 मैच में लगातार, तेंदुलकर, दरबीर रहना, रोहित पंत, शर्मा 10 मैच भी खराब खेले तो कहा जाएगा कि थोड़े समय के लिए खराब फॉर्म हुआ है, हो जाएगी वापसी, यही मौका होता है। भारत अकेला देश है जो क्रिकेटर्स को दूसरे देशों के क्लब और वहां के लीग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने देता है, मतलब अगर ये आपको यहां नहीं खेलने देंगे तो बाहर भी नहीं खेल सकते, अपना प्रतिभा नहीं दिखा सकते, ये भी यहां के मनुवादियों की चाल है। और महेंद्र सिंह लोधी लिखते हैं, मेरा चयन कबड्डी एवं ट्रिपल जंप एवं ऊंची जंप तथा लॉन्ग जंप में चयन हुआ था, स्टेट खेलने के लिए, पर ब्राह्मणवाद के चलते मुझे जाने नहीं दिया गया जबकि पैसे सरकार दे रही थी। तेंदुलकर 1989 से लेकर 2012 तक वनडे खेलता रहा, 20 बार जीरो पर आउट हुआ लेकिन किसी ने बाहर नहीं किया। तो ये है जातिवाद, और सोचिए इस तरह के जातिवाद के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और जैसे ही 2 दिन में ट्विटर ट्रेंडिंग हुआ कास्टिस्ट बीसीसीआई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप में वो ताकत है, आपकी संख्या है, आप बस बोलना शुरू कर दीजिए ट्विटर फेसबुक पर। तमाम बहुजन चैनलों को सब्सक्राइब करके 10-10 20-20 मिलियन 50-50 मिलियन पहुंचाइए, मीडिया भी बड़ी होगी, खबर भी कवर होगा, और राजनीति, खेल, पावर, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह आपकी जगह पक्की होगी और आप जातिवाद से बच भी जाएंगे। सोचिए सूर्यकुमार यादव के साथ क्या हुआ है। फुटबॉल में 140 करोड़ भारतीय हैं, फुटबॉल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तमाम बड़े पदों पर किस जाति के लोग हैं उनसे पूछिए, और नहीं है तो इस्तीफा दो। इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको खेल से बाहर रखा गया है, और क्रिकेट में पैसा है, इन्होंने वहां कुंडली मार के बैठा हुआ था, दूसरे को आने ही नहीं देंगे। इनसे फुटबॉल कहिए, हॉकी कहिए, कबड्डी कहिए, कुश्ती कहिए, तीरंदाजी कहिए, ये सब नहीं होता है इनसे। टेनिस, इनके अंदर दम ही नहीं है, लेकिन ये कब्जा मार के बैठे हुए और दूसरे को मौका नहीं देंगे। इस जातिवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा क्योंकि ये देश का नुकसान कर रहा है। भारत में जो भारत की 90-95% आबादी है, जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो मेहनत कश लोग हैं, जो किसान जाति के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको मौका मिले, उनके बच्चों में टैलेंट है, दम है, क्योंकि वो मेहनत करके आते हैं। इन मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादियों से इस देश को बचाइए, इस देश के तमाम एसोसिएशन अथॉरिटी को बचाइए। और इसका तरीका एक ही है कि सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, लिखना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, सब अपनी लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या है, हमारी ताकत है, और बाबा साहब के वोट का अधिकार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।